गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5B का प्रश्न क्रमांक संख्या 15 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए। ये जी, यदि k प्लस 1 फिर कॉमा 2k प्लस 1 और k प्लस 7 AP में है तो AP के अगले दो पद ज्ञात कीजिए। तो देखो, इन्होंने आपके पास तीन पद दे रखे हैं। यहाँ से यहाँ तक देखो, पहला पद है आपका, यानी ये A1 हो गया, ये आपका हो गया A2 और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका A3, है ना। अब इन्होंने बोला है कि इसमें आपको K का, सबसे पहले तो K का मान ज्ञात करना है। तो K के मान ज्ञात करने के लिए आप यहाँ लिख दो इसको दोनों। K का मान कैसे निकलता है हमारे पास, इसको लिखने के लिए आप A2 माइनस A1 लिख दो पहले। तो यहाँ लिख दो A2, है ना। तो A2 आपके पास कितना है, 2K प्लस 1, ये A2 माइनस, देखो पहला वाला A1 है, ये A2 और ये A3 है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, A2 माइनस, अब दूसरा नंबर ब्रैकेट में लिख दो, और A1 लिख दिया हमने। अब ये बराबर इसमें आप रख दो, A3 माइनस A2 कर दो। A3 कितना है, ये यानी K प्लस 7, उसमें से घटा दो आप क्या, ये A2 घटा दो, है ना, यानी 2K प्लस 1 ये हमने घटा दिया। अब देखो, जब ब्रैकेट के साइन यहाँ पर है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो साइन सबसे पहले चेंज कर दो, इसको वैसे का वैसे लिख दो, यानी 2K प्लस 1, यहाँ माइनस का साइन है तो अंदर का चेंज कर दो, K प्लस का है तो K माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसको वैसे का वैसे लिख दो, K प्लस 7, यहाँ पर भी देखो माइनस का साइन है ना, तो अंदर का चेंज हो जाएगा, 2K प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब आप देखो, इसको सबको आप इक्वल के एक तरफ ले आओ, इधर वाले को तो वैसे का वैसे लिख दो, 2K प्लस 1 माइनस K माइनस 1, है ना। यहाँ देखो, ये तो सबसे पहले, चलो अच्छा पूरा पहले ले आते हैं इधर, फिर इसको इधर ले आओ, K प्लस का है इधर आ गया, माइनस का हो गया, ये प्लस का है 7 तो माइनस का हो गया, ये देखो ये माइनस का है तो ये प्लस का 2K हो गया, ये भी प्लस का 1 हो गया, है ना। इक्वल्स टू में आप 0 के रूप में रख सकते हो इसको। अब क्या क्या नंबर कट रहे हैं आप देखो, है ना, ये हो गया हमारे पास 2K और ये वाला 2K, देखो 2K और 2K मिलाकर हो गया हमारे पास 4K, यानी ये दोनों देखो ख़त्म हो गया। यहाँ देखो, ये 1 प्लस का, ये माइनस का, ये तो यही ख़त्म हो गया। अब K देखो कितने K हैं, 1K, ये माइनस का और माइनस, प्लस हो गया साइन माइनस का, यानी ये 2K हो गया हमारे पास, ये और 7 में से आपका 1 माइनस 1 चला गया तो बचा हमारे पास माइनस का 6। अब देखो 4K और यहाँ 4K और देखो 4K में से 2K माइनस हो गया तो बचा हमारे पास प्लस का 2K, है ना, और ये हो गया 6। अब K को बाहर कर दो, यानी हमने K को इधर कर दिया तो हो गया 2K इक्वल्स टू, ये इधर 6 हो गया, K इक्वल्स टू 6/2, यानी 2 1 2 3 जा, K का मान कितना निकल आया, K की वैल्यू हमारी निकल आई 3। अब आप देखो, पहला पद हमारे पास कितना है, A1 हमारे पास, A1 कितना है, A1 की वैल्यू है K प्लस 1, है ना। तो K का मान आपने कितना रख दिया, 3 + 1 = 4, यानी A1 की वैल्यू कितनी निकल आई, 4। अब A2 की वैल्यू निकाल लो, A2 की वैल्यू, A2 यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखो 2K प्लस 1 दिया है, 2K का मान हमने रख दिया 3, क्योंकि अभी हमने 3 निकाला है ना K का मान, प्लस 1, देखो 3 2 6 और 1 7, यानी A2 हमारे पास, हमें 7 मिल गया। अब देखो A1 और A2 मिल गया तो D निकाल लो आप। D निकालने के लिए D इक्वल्स टू होता है A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना निकला 7 और A1 कितना है 4, ये माइनस हो गया तो बचा हमारे पास 4, है ना। तो अब हमें मिल गया D, हमारा मिल गया 4 नहीं 3। अब D हमें मिल गया, अब इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि AP के अगले दो पद निकालिए। देखो अगले दो पद निकालने के लिए बस इसमें D आपको मिल गया, आगे के पद जोड़ दो, पता चल जाएगा आपके पास क्या। देखो फॉर्मूला होता है आपका कि पहला होता है A, दूसरा होता है A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस
3D है ना। तो हमारे पास देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीन पद इन्होंने दिया, तो चौथा पद और पांचवा पद निकालने के लिए a+4d, ये हम ये दोनों निकाल लेंगे, बस हमें पता चल जाएगा a की वैल्यू कितनी है। यहाँ देखो ये पद निकालने के लिए हमें a की वैल्यू कितनी है, 4+3 और d कितना है हमारे पास 3। सॉल्व कर लो तो हमें मिल गया, देखो 3 3 9 और 9 में आपने 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 13 हो गया, यानी आपको a4 मिल गया, a4 बराबर 14। ऐसे ही a5 निकाल लो, a5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a+4d, a कितना है हमारा 4 और 4, d की वैल्यू कितनी है 3, देखो 4 और 4 3 12, 12 में 4 छोड़ गया तो बचा हमारे पास 16 है ना, यानी A5 कितना मिल गया हमें 16। दो पद इन्होंने बोले थे, एक पद मिल गया 13, एक पद मिल गया 16। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।